गाइस, क्या आप भी कोई भी वीडियो या कोई भी मूवी का सीन्स को लेकर उसका ग्रीन स्क्रीन बनाना चाहते हैं, वो भी सिंपली अपने स्मार्टफोन के डिवाइस में? तो मुस्कुराइए, आप सही वीडियो पे आए हैं क्योंकि आज हम लोग यही सिखाने वाले हैं यार। तो आप सभी का फिर से दिल से पाव तक लेकर सिर से स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है VFX गुरु, और आज हम लोग वही करेंगे जो मैंने पहले बताया। तो यार बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आ चुके हैं हम लोग अपने फोन के स्क्रीन पे। अभी हम लोग दिखाने वाले हैं पहला ट्रिक, क्योंकि आज का वीडियो में मैं आपको दो ट्रिक दिखाने वाला हूँ। तो यार ये वीडियो मिक्सअप होके एकदम चटपटेदार मिक्सचर बनने वाला है, तो इसको आखिर तक कंज्यूम करना आपका दायित्व है। तो देखिए हम लोग पहले ट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं। पहला ट्रिक है विदाउट एप्लीकेशन के यूज से। तो सबसे पहले आप अपना फोन का कोई भी वेब ब्राउजर खोल लीजिए और उसमें सर्च कीजिए unscreen.com। ये एक फ्री वेबसाइट है, फ्री तो नहीं कहूँगा, इसका प्रो वर्जन भी अवेलेबल है, लेकिन आप इसका फ्री वाला वर्जन भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो, आसानी से यूज़ कर सकते हो। ये आपका कोई भी वीडियो को नॉर्मली ये आपका बैकग्राउंड हटा सकता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कैसे इसने इस लड़की के पीछे का जो बैकग्राउंड है हटा दिया है। आप पीछे इसका ऐसा कोई वीडियो लगा सकते हो, सॉलिड कलर लगा सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपलोड क्लिप जो दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, आप अपने फ़ोन के जो गैलरी को है उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपलोड क्लिप में क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मेरे को पूछेगा कि कैमरा और फाइल, तो मैं यहाँ पे फाइल्स में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और एक बात है, इस वेबसाइट का कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, तो थोड़ा सा वेट करना। तो यहाँ पे मैंने वीडियो सिलेक्ट कर ली है, अभी ये जो है वीडियो प्रिपेयरिंग फॉर अपलोड हो रहा है, तो ये धीरे धीरे अपलोड होगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ गया है, और कुछ ही देर में हम लोग का जो कैरेक्टर है वो भी आ जाएगा, जो कि है टोनी स्टार्क। यहाँ पे टोनी सर वी लव यू 3000, हाँ तो कमेंट पे लिखना मत भूलना लव यू 3000। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो है बैकग्राउंड अभी ट्रांसपेरेंट है, तो आप यहाँ पे कोई एक्स एनिमेशन वाली वीडियो लगा सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ कुछ वीडियो बैकग्राउंड्स अवेलेबल है नीचे, आप वो लगा सकते हो। आप कोई कलर लगा सकते हो, आप ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, आप ओरिजिनल भी रख सकते हो, आप कोई इमेज जो है आपके फ़ोन से या कोई डाउनलोड करके आप इमेज भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कलर में यहाँ पे जाऊँगा, ग्रीन कर दूंगा, तो आपको देखने को मिल रहा होगा ऊपर के कुछ ब्लैक ब्लैक वो आ रहे, वो जो है सिनेमैटिक जो रेशियो होता है, फ्रेम्स होता है, वो आ रहा है। तो आप काइन मास्टर में बाद में जाके कट कर सकते हो, क्रॉप भी कर सकते हो एंड देख सकते हो, लेकिन वीडियो यहाँ पे परफेक्ट बना है। अब इस वेबसाइट का कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जैसे कि मैंने आपको बताया, वो बताऊँगा, लेकिन उसके पहले ये थोड़ा प्रोसेसिंग हो जाए इसका, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो बनने के बाद नीचे आपको मैप में मिल जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड में आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, GIF, एनिमेटेड, PNG और एक ऑप्शन। तो ये तीन ऑप्शन ही बस अवेलेबल है इसके फ्री वर्जन में, और इसका एक प्रो वर्जन है जहाँ पे ये सब अवेलेबल है, आप देख पा रहे हो। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है इस वेबसाइट का, नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस वेबसाइट में बस आप कुछ छोटे से छोटे वीडियोज़ को ही कर सकते हो। सपोज़ कीजिए आपके पास बहुत लंबा वीडियो है, एक मिनट का वीडियो है, तो इस वेबसाइट में बस कुछ सेकंड, एक या दो सेकंड या मैक्सिमम 3 सेकंड्स का ही यहाँ पे आपका वो वीडियो बन पाएगा ग्रीन स्क्रीन। सेकंड ये है, यहाँ पे बस इंसानों का ग्रीन स्क्रीन बन सकता है, दूसरा कोई एनिमल या फिर कार कुछ और चीज़ का यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन नहीं बन सकता, सिर्फ अगर इंसानों का वीडियो है, जैसे टोनी सर का ये वीडियो था, तो वैसा ही वीडियो यहाँ पे अपलोड हो सकता है। थर्ड, यहाँ पे आप ग्रीन स्क्रीन जो है वीडियो फॉर्मेट में नहीं डाउनलोड कर सकते, आप इसको GIF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। आप पूछोगे तो GIF फॉर्मेट में क्या फ़र्क है, GIF जो है सपोर्ट नहीं करता काइन मास्टर में या पावर डायरेक्टर में, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जो अलग सा झंझट है। आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, GIF से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसका एक प्रो वर्जन भी है इसके, आप मुश्किलों को आसान करने के लिए। यहाँ पे आप प्रो वर्जन में वाटरमार्क आपका नहीं आएगा, फुल लेंथ का वीडियो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। जो पहले 3 सेकंड का मैं बोल रहा था वो 1 मिनट का वीडियो होगा, तो 1 मिनट का पूरा वो ग्रीन स्क्रीन बनेगा, फुल HD में होगा, 720p में आई गेस, एंड MP4 में होगा, और ऑडियो सपोर्ट, जो ऑडियो आपका है वो भी होगा। और ये वीडियो जो है ऑडियो सपोर्ट है, मतलब आपका वीडियो जो है वीडियो फॉर्मेट में ही डाउनलोड होगा, या ये फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं होगा। तो ये हो चुका है हम लोग का ट्रिक, जो कि बिना वेबसाइट के बिना एप्लीकेशन के आप कर सकते हो। अब आते हैं हम उस ट्रिक पे जिसमें आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगा, उस एप्लीकेशन का नाम है फ्लिप अ क्लिप। एक पेड ऐप है, बट आप उसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, बट ऑब्वियसली उसमें वाटरमार्क आएगा। और इस ऐप का बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन है, आई गेस 72 रुपीज़ या वैसा कुछ है,
तो आप उसको खरीद सकते हो, इसमें सब्सक्रिप्शन देना नहीं पड़ता, इसको वन टाइम परचेज है, तो आप इसको इजीली खरीद के यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको पैसा नहीं देना है मेरे तरह हो आप, तो यार आप इसका वाटरमार्क वाला वर्जन यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली से आपको खोलोगे, आपको कुछ परमिशंस देने पड़ेंगे, यहाँ पे एक प्लस वाला साइन है उसमें क्लिक करके आप यहाँ पे आपका एनिमेशन का प्रोजेक्ट का नाम सिलेक्ट कर लो। मैं ग्रीन स्क्रीन रखता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये ग्रीन स्क्रीन से डेडिकेटेड वीडियो है। तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड चूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे वाइटी रखता हूँ। यूट्यूब का आप क्वालिटी यहाँ पे सेट कर सकते हो, आपके फ़ोन के क्वालिटी वाइज ये सेट रहता है मैक्सिमम मिनिमम। और यहाँ पे FPS जो है आप 25 से 30 के बीच में रखो क्योंकि वही बेहतर है, इससे कम अच्छा नहीं है। 25 रखा मैंने, क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे आपका जो है प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, मेरे फ़ोन में स्पेस कम है इसलिए वार्निंग आ रहा है, आप में नहीं आएगा शायद अगर आपका फ़ोन फ्री ऑफ स्पेस है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, फिलहाल यहाँ पे आप नीचे फ्रेम एड्स कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिलहाल फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ, मैं उस फ्रेम पे क्लिक करके डिलीट वाला साइन में क्लिक करके पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे तीन डॉट में जाके ऐड वीडियो में मैं क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जिस वीडियो का मेरे को ग्रीन स्क्रीन बनाना है मैं उसे ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं यही फिर से आयरन मैन वाला वीडियो को ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने से होगा ये कि मेरे को भी नहीं तो टाइम लगेगा बहुत, यहाँ पे आपका वीडियो इंपोर्ट हो जाएगा। ये जब तक इंपोर्ट होता है मैं आपको एक सिंपल सा बात कहना चाहता हूँ। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो है आपके वीडियो को, एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है पहली बात मैं ये बता देता हूँ, सेकेंड जो है मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये आपके वीडियो को फ्रेम वाइज डिवाइड कर देता है। फ्रेम वाइज का मतलब ये, पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि मूवीज़ जो है रील्स में बनता था, हर एक फ्रेम का वो फोटो कैप्चर होता था उस कैमरे में, और जब वो रील को एक साथ प्ले किया जाता था तो तब बनता था एक फुल फ्लेज्ड वीडियो मूवी, राइट। तो इसमें वही होता है, ये चीज़ उल्टा करता है, ये आपके वीडियो को लेकर उसको फ्रेम वाइज डिवाइड कर देता है, रील वाइज डिवाइड कर देता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वीडियो का हर एक फ्रेम में डिवाइड हो चुका है। तो अभी यहाँ पे और कुछ टूल्स है, यहाँ पे कुछ पेन टूल है, मैं ये पेन वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका साइज आप चेंज कर सकते हो, कलर आप ग्रीन कर लीजिए, जो ग्रीन स्क्रीन का कलर है उसको आप सेट कर लीजिए। यहाँ पे बड़ा सा कलर मिक्सर दिया हुआ है, कलर पैलेट जिसको कहते हैं, तो आप इसको यूज़ करके आसानी से कोई भी कलर का बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रिक है मेन, यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप अपने वीडियो को जूम इन जूम आउट करके इसके बॉर्डर में, जो मेन आपका ऑब्जेक्ट है उसके बॉर्डर में आप ग्रीन कलर का जो है पेन से आप इसको सिलेक्ट करते रहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीन बॉर्डर आप अच्छे से उंगली से, अब मैं उंगली से कर रहा हूँ, आपके पास अगर स्टाइलस या लाइट पेन जैसे कोई ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ है तो आप उससे कर लेना, आपको थोड़ा आसान होगा और अच्छा बनेगा, उंगली से उतना अच्छा बनता नहीं है। उसके बाद हम लोग इस पेन टूल का ऊपर नीचे करके स्लाइड अप स्लाइड डाउन करके बड़ा छोटा कर सकते हैं पेन टूल का साइज़ को। मैं साइज़ को बढ़ा के ऊपर खींच के बढ़ा के देख सकते हो, मैं इसको ग्रीन कलर फिल कर दे रहा हूँ। इसको यही स्टेप को आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, मैंने बॉर्डर इसलिए पहले बना लिया था ताकि मेरे को बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए आपको कुछ ऐसे ही करना है हर एक फ्रेम के साथ, और जब आप इसको प्ले करोगे आपका एक प्रॉपर ग्रीन स्क्रीन आप बना पाओगे। ये बहुत ही टाइम टेकिंग है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपके पास अगर फिजूल का बहुत वक्त पड़ा हुआ है तभी आप ये स्टेप फॉलो कीजिए, वरना आप यार मतलब ग्रीन स्क्रीन आप मत बना। अगर आपके पास टाइम है तो ही बनाइए ग्रीन स्क्रीन, आपको अगर ग्रीन स्क्रीन ऐसे बनाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इतना था यार इस वीडियो के लिए, आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, तो मैं आपको बोल के नहीं पकाऊंगा। और अगर आपको जानना है कि आयरन मैन का आर्क रिएक्टर हैंड ओवरलैपिंग इफेक्ट अपने फोन में कैसे कर सकते हो, आप लेफ्ट वाले वीडियो में क्लिक कीजिए। और अगर आपको आपके चेहरे को किसी भी हॉलीवुड मूवी के सीन में घुसाना है तो आप मेरे राइट वाले वीडियो में क्लिक करके जान लीजिए। गुड बाय।